अच्छा, तो ये बात है। मैं भी उस दिन नासिर को देख के खासा ठिठका था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बचपन से उसका आना जाना है, इसलिए कोई ख्याल नहीं किया। रूफी बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अम्मी, देखने में तो रिश्ता मुनासिब लगता है। उसने एक टेक का ऑनलाइन कोर्स भी किया हुआ है, छोटा मोटा बिजनेस भी है उसका। गुजर बसर तो हो जाता है उन लोगों का, लेकिन लेकिन क्या? करीम का मुस्तकबिल मेरी आंखों में बसा एक खूबसूरत ख्वाब है, और ख्वाब तो अपनी औकात से बाहर का ही देखा जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी हरीम के लिए हमें एक सहीन, काबिल और ऊंचे मुकाम पर पहुंचने वाला शख्स जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा, तुम लाजमी बात है कि अपनी प्यारी बहन के बारे में ऐसे ही ख्वाब देखोगे, लेकिन हम जिस मकाम पे खड़े हैं आज, वहां मेरे ख्याल में नासिर जैसा रिश्ता मिल जाना ही गनीमत है। सही कह रहे हैं आप। मेरी बीमारी ने इस घर की जड़ों को खोखला कर दी है, बुनियादों को हिला कर रख दी। रूफी बेटा, मैं अपनी जिंदगी में हरीम को उसके घर में देखना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मुझे तो हर रिश्ता मुनासिब ही लगता है। हद से बढ़कर उम्मीदें बांधना बेवकूफों का काम। देखना कौन है। मैं देखता हूँ।